कैबिनेट मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा है। उन्होंने चीन का नाम लेकर कहा कि अगर प्रधानमंत्री चीनियों को बाहर नहीं कर पाते हैं तो वह इस्तीफा दे। उन्होंने 5 जुलाई को अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भयभीत और विदेश मंत्री जयशंकर को चूहा बताया था। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था कि शी जिनपिंग ने पीएम मोदी और एस जयशंकर को बताया है कि उन्हें कहां हटना है। उन्होंने आगे कहा कि 4 साल से चीनी भारतीय भूमि हड़प रहे हैं, पर पीएम कांपते हुए बोले कि कोई आया नहीं। इसके साथ ही उन्होंने नरेंद्र मोदी को घेरते हुए कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नरेंद्र मोदी को रूस बुलाया है, यूएस में बैठक कर रहा है। उन्होंने अपने पोस्ट में आगे लिखा है कि भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी अब पूरी तरह से षड्यंत्र चमगादड़ हैं। पीएचएस चीफ ने कहा, मॉस्को में पुतिन के आगे मोदी साष्टांग दंडवत करेंगे और अनुवाद संस्कृत में रूसी महिला करेगी।